अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH मैथ एक्सपर्ट्स वन। तो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो अब लास्ट टाइम जितने भी हमने 4.1 में क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसमें और टाइप के थे। अब कुछ और टाइप के क्वेश्चन है। अब देखिए, नीचे पावर कुछ लिखी हुई है और वो पावर होल की है। इसको लेट करने का मेथड क्या है? पहले देखें कि ये इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है। ये प्रॉपर है क्योंकि पावर ऊपर 2 है, ये 2 और ये 1 3 हो जाएगी पावर। इसको हम डायरेक्ट लेट करते हैं, लेकिन अब इसमें लेट करने का जो तरीका है ना बच्चों, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। एक्स माइनस वन इसका स्केयर एक्स माइनस टू, तो ए ओवर एक्स माइनस वन। तो पावर आपने, अगर पावर 1 से ग्रेटर है तो पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर बी ओवर एक्स माइनस वन इसका स्क्वेयर प्लस सी ओवर एक्स माइनस टू, इसको अब मान लेते हैं कि ये नंबर 1 का। अब एलसीएम जो लेफ्ट हैंड के ओवर में होगा वही एलसीएम आया करेगा हमारा, एक्स माइनस वन इसका स्क्वेयर एक्स माइनस टू। उसके बाद ये 2 हैं और ये 1 है, 1 ने कटना है तो बाकी 1 बचेगा। मतलब हम इस तरह कर सकते हैं, एक्स माइनस वन इसका स्क्वेयर एक्स माइनस टू, ये हमारा एलसीएम है। फर्स्ट कोर में लिखा है एक्स माइनस वन, 1 ने कटना है, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू बचेगा, वो हम इसके साथ लिख देते हैं, एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू प्लस बी के लिए ये कट जाएगा, बाकी बच जाएगा एक्स माइनस टू, और सी के लिए एक्स माइनस टू कटेगा, बाकी बच जाएगा एक्स माइनस वन इसका स्क्वेयर। और ओवर में लिखा हुआ है एक्स माइनस वन होल स्क्वेयर एंड एक्स माइनस टू, ऊपर लिखा हुआ एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, दोनों सेम है कट गए हैं, तो बाकी मिल रहा है हमें एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू, इन्हें हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का डायरेक्ट मेथड भी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो कब इस्तेमाल होगा? जब कोफिशेंट 1 1 होगा फर्स्ट टर्म का, तब हम ये काम कर सकते हैं। तो करना क्या है, एक्स को एक्स से करें मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। उसके बाद ये है माइनस वन, ये है माइनस टू, दोनों को करें ऐड तो आ जाएगा माइनस थ्री, तो साथ एक्स लगा दें। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टू वन सा टू, बी वाली अमाउंट ऐसी रहेगी क्योंकि सिंगल नंबर है। उसके बाद इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन के ए में लिखा हुआ नीचे, उसको करते हैं पुट करते हैं, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1। इसको इस क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम 1 जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 है, ऊपर स्केयर है 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 ऊपर स्केयर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 माइनस टू, 1 स्क्वेयर माइनस टू इंटू 1 प्लस 1, 1 स्क्वेयर 1 होता है 3, 1 जार 3 प्लस 1, तो 1 स्क्वेयर 1 हो गया, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, इन्हें किया सॉल्व तो आ जाएगा बी इंटू माइनस 1, इसे करेंगे सॉल्व तो 1 प्लस 1 2 एंड 2 माइनस 2 0, तो 1 प्लस 1 2 ये आ जाएगा माइनस वन, यहाँ से आ जाएगा माइनस बी, क्योंकि ये भी ज़ीरो हो जाना, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो बी की वैल्यू मिल गई हमें प्लस का 1। अगर हम इसको पुट करते हैं इक्वल ज़ीरो, तो फिर वहाँ से हमें एक्स 1 मिलेगा, वापस वही वैल्यू मिल जाएगी हमें। इसमें पावर 1 हो उसको करना है पुट इक्वल ज़ीरो के, बाकियों को नहीं करना। अब हम पुट करते हैं एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू जो मिल जाएगी वो मिलेगी प्लस टू। इसको 2 में पुट करते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे, 2 स्केयर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ पे पुट करते हैं 2 स्केयर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 प्लस b की जगह पे 2 माइनस 2 प्लस c इंटू 2 स्केयर माइनस टू इंटू टू प्लस वन, टू स्केयर आ जाएगा 4, 3 टू ज़ार 6 प्लस 1 इज इक्वल टू टू ज़ार 4, 4 माइनस 6 प्लस 2,
टू माइनस टू जीरो आ जाएगा, तो बी वाली वैल्यू सारी की सारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सी इंटू टू स्केयर हो जाएगा फोर माइनस फोर प्लस वन, ये फोर फोर से कट गया, इन्हें किया सॉल्व तो आ जाएगा माइनस वन, इन्हें करेंगे सॉल्व तो जीरो आएगा, जीरो को ए से किया मल्टीप्लाई फिर जीरो आ जाएगा। तो आंसर जो सी की वैल्यू मिल गई है हमें वो कितनी मिली है, वन मिली है। अब एक रह गई है वैल्यू, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कंपेरिजन कोफिशियंट्स का। तो वैल्यू एक रह गई है तो हम जस्ट एक वेरिएबल को जो है ना पावर उसका करेंगे कंपैरिजन, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर देखें जो राइट हैंड पे है वो है एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर कोफिशिएंट को करते हैं कंपैरिजन, तो लेफ्ट हैंड पे एक्स स्क्वेयर कोफिशिएंट कितना लिखा हुआ है, कुछ नहीं हो तो साथ वन लिखते हैं। अब चेक करते राइट हैंड पे, अगर हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट के साथ तो आएगा ए एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर के साथ आ जाएगा ए, अगर हम इसे करते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है ही नहीं, इसे करेंगे तो आ जाएगा सी एक्स स्क्वेयर, वहाँ से हम यूज़ करते हैं सी, तो वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, सी की वैल्यू है माइनस वन, तो प्लस माइनस माइनस वन, इसको लेफ्ट हैंड पे ले जाते हैं तो ए हमें मिल जाएगा वन प्लस वन, तो ए मिल गया हमें टू। इसके बाद सारी वैल्यूज ए बी सी की हमें मिली हैं उनको हमने कोई नंबर वन में रिप्लेस करना है, और वहाँ से हमारा जो आंसर है वो फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन के तरीके का है, मैंने क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करते हैं अब हम, तो लेट कर लिए क्योंकि ए के नीचे एक्स माइनस वन, बी के नीचे एक्स प्लस टू और सी के नीचे एक्स प्लस टू का स्क्वायर, जितनी पावर है वहाँ तक जाकर स्टॉप कर देना होता है। उसके बाद एलसीएम जो लेफ्ट हैंड पे लिखा होता है वही एलसीएम आता है, मतलब एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस टू इसका स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा, एक्स माइनस वन कटेगा बाकी बच जाएगा एक्स प्लस टू का स्क्वायर, तो वो ए के साथ आ जाएगा, प्लस बी के लिए एक्स प्लस टू एक कटना है, एक बचेगा और साथ एक्स माइनस वन आ जाएगा, एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस टू, और सी के लिए एक्स माइनस प्लस टू सारे का सारा कट जाना है और एक्स माइनस वन सी के साथ आ जाएगा, इधर लिखा हुआ है एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस टू इसका स्क्वेयर ये इसे कट जाएगा, तो नाइन इज इक्वल टू ए इंटू इसका स्क्वेयर ओपन करते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसके रिजल्ट ये बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफिशेंट इसका भी वन है इसका भी वन, तो एक्स को एक्स से किया मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वेयर, उसके बाद जो कॉन्स्टेंट नंबर है इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा वन, तो आपने जैसे एक्स लगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो माइनस टू आ जाएगा, प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, इसी को ये नंबर टू का नेम दे रहे हैं, पुट करते हैं एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो वहाँ से हमें एक्स मिल जाएगा वन, इसको टू में पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड पे एक्स है नहीं तो नाइन ऐसे ही है, यहाँ पुट करते हैं वन स्केयर वन होता है फोर वन ज़ार फोर प्लस फोर, यहाँ पुट करें वन प्लस वन टू, टू माइनस टू ज़ीरो, वन माइनस वन ज़ीरो, इन्हें करते हैं सोल्व करना आ जाएगा नाइन ए, ए नाइन नाइन से कट गया तो ए की वैल्यू में मिल गई वन। अब हम पुट करते हैं एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वहाँ से हमें जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी माइनस का टू, इसको टू में पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड पे एक्स है नहीं तो नाइन एग्जिट, इधर पुट करते हैं ए इंटू माइनस टू है ऊपर स्केयर है वो प्लस टू, वो फोर आ जाएगा माइनस एट, फोर टू ज़ार एट प्लस फोर, इधर रिप्लेस करते हैं फोर माइनस टू एंड माइनस टू प्लस सी इंटू माइनस टू माइनस वन, तो यहाँ पे भी स्केयर है तो यहाँ पे करेंगे वैल्यू पुट एक्स की तो टू माइनस टू है तो ऊपर स्केयर तो प्लस फोर हो जाएगा, यहाँ पुट की तो माइनस टू माइनस टू साथ ऐसे ही है नाइन, ये जीरो आएगा सारा ऐसा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो आएगा प्लस माइनस करेंगे जीरो, तो यहाँ से मिलेगा माइनस थ्री सी, तो सी की वैल्यू मिल गई हमें माइनस थ्री, थ्री वन जा थ्री से जा नाइन, तो ये माइनस इसके साथ लगा दिया। अब एक रह गया वैल्यू, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कंपैरिजन, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर पावर मैक्सिमम राइट हैंड पे एक्स स्क्वेयर, लेफ्ट हैंड पे एक्स स्क्वेयर है नहीं इसका लग जाएगा जीरो, जब इस ए को हम करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ तो आएगा ए एक्स स्क्वेयर,
कोफिशेंट ए बन रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर है तो बी बनेगा इसका कोफिशेंट। ए की हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है वो है 1, और बी एज इट इधर आके आ जाएगा -1। तो ए बी और सी की वैल्यूज हमें मिल गई हैं। अब इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं क्योंकि नंबर 1 में, उसके बाद जो आंसर मिलेगा वो आएगा 1 ओवर x-1, और बी की वैल्यू -1 है, -1 ओवर x+2। सी की वैल्यू लिखी हुई है -3 ओवर x+2। इस सारे का स्क्वायर यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसी है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें अगर हम देखें ऊपर x^4 नीचे करेंगे मल्टीप्लाई तो x^3 आएगा, इम्प्रॉपर है इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया अंदर, उसके बाद इसको डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के लिए x^4 नीचे x^3 - x^2 बाहर लिखा, पावर दोनों के सेम नहीं है, डिफरेंस पावर 1 का है, तो x से मल्टीप्लाई किया दोनों को, x^4 - x^3 साइन चेंज की है, कटिंग होगी, फिर बचा x^3, फिर पावर इनकी और इनकी सेम है, जब तक पावर ये लेस ना हो तब तक डिवाइड करते रहना है, फिर पावर सेम है, हमने जस्ट 1 लिखा, 1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये लिखा, सब्ट्रैक्ट किया कटिंग की, उसके बाद रिजल्ट बचा है। अब इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने इसको लेट किया, अब यहाँ पावर 2 है तो 1^1 फिर आगे 2 फिर सी के नीचे x-1, इसको क्योंकि नंबर हम 2 का नाम दे देते हैं। एलसीएम करने के बाद ए के साथ एक्स आएगा और x-1 आ जाएगी, और बी के साथ x-1 और सी के साथ आ जाएगा x² जस्ट, और लिखा हुआ है x². तो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम x² - x आएगा, x-1 एज इट प्लस सी x², तो पुट करते हैं x = 0, इसको 3 का नाम दे रहे हैं, इन 3 यहाँ रखें 0 तो 0 आ जाएगा, इधर रखें 0 0 0 0, यहाँ रखें 0 तो आएगा -1 मतलब -b, बाकी दोनों मोड 0 तो b की वैल्यू कितनी मिली कि हमें यहाँ से 0 मिल गई है। उसके बाद पुट करते हैं x-1 = 0, वहाँ से हमें x मिलेगा +1, इसको पुट करते हैं इन को ये नंबर 3, इधर 1 है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, यहाँ पे पुट किया तो 1 - 1 = 0, ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पुट किया तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो सी मिलेगा जस्ट, तो सी की वैल्यू मिल गई हमें 1। अब रह गई है एक वैल्यू, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कंपैरिजन, तो हम करेंगे कंपैरिजन x² की। लेफ्ट हैंड पे कोएफिशिएंट 1 है, राइट पे ए लिखा हुआ है, उधर से आ जाएगा सी, तो ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, सी की वैल्यू 1 है, तो ए प्लस 1, इधर लेफ्ट हैंड पे लेंगे तो आ जाएगा -1, तो ए कितना मिल जाएगा हमें 0। तो जो तीनों चारों वैल्यूज, तीनों वैल्यूज मिली हैं उसको हम पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ए की वैल्यू है 0 ओवर x, बी की वैल्यू है 0 ओवर x स्क्वायर, सी की वैल्यू है 1 ओवर x-1, इसका रिजल्ट मिलता है 1 ओवर x-1। इन इस वैल्यूज को हम यहाँ पुट करते हैं तो x+1 + 1 ओवर x-1 यही हमारा आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी सेम स्थिति का है। क्वेश्चन नंबर 7 है 3x² + 15x + 16 ओवर x+2 होल स्क्वायर, तो पावर ऊपर भी से 2 है, नीचे भी 2 आएगी, इसलिए इम्प्रॉपर है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो स्क्वायर ओपन किया, उसके बाद दोनों को डिवाइड करने के लिए देखें, इसका पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, जस्ट डिफरेंस है कोएफिशिएंट का, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है, तो ये 1 3 कैसे बनेंगे, अब इसको हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो तीनों अमाउंट को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 0 3 3 4 12, 3 4 12, सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज, कटिंग हो गई, 15 - 12 3x 16 - 12 4, उसके बाद 3 पहले लिखा फिर प्लस, फिर ये ऊपर और जो जिससे डिवाइड किया है वो नीचे। अगर हम इसको देखें तो ये किस कहाँ से मिला था, जब हमने x+2 का स्केयर सोल्व किया था, उसके बाद लेट किया, एलसीएम करने के बाद जो रिजल्ट ये लिखा है मैंने, पुट x+2 = 0, तो वहाँ से हमें x मिल जाएगा -2, सो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं 3 - -2 + 4, ए -2 + 2, तो बी एज इट, तो -6 + 4 0 प्लस बी, तो बी मिल जाएगा हमें -2। उसके बाद बी की रह गई वैल्यू, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कंपैरिजन, कंपेयरिंग करेंगे हम कोफिशेंट ऑफ जस्ट एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो 3 = a,
दोनों वैल्यूज मिलेंगे, दोनों का पुट करेंगे नंबर टू में, तो थ्री ओवर एक्स प्लस टू माइनस टू ओवर एक्स प्लस टू इसका स्क्वेयर, कि दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे नंबर वन में, तो थ्री प्लस थ्री ओवर एक्स प्लस टू माइनस टू ओवर एक्स प्लस टू इस सारे का स्क्वेयर, तो ही हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है 4.2 के साइज का, तो वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन इसके फैक्टर बन सकते हैं, इस पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हमने यूज़ किया, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, इसमें एक्स प्लस वन दो दफ़ा लिखा हुआ है, पावर ऐड होकर टू होगी और एक्स माइनस वन एज इट लेट करते हैं अब, वन ओवर एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन प्लस सी ओवर एक्स प्लस वन इस सारे का स्क्वेयर, इसको ये नंबर वन बोलेंगे। उसके बाद एलसीएम करेंगे, एलसीएम करने के बाद जो रिजल्ट में मिलेगा वन बी के साथ आ जाएगा एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, और सी के साथ आ जाएगा एक्स माइनस वन, यहाँ पर आ जाएगा वन। तो एलसीएम करने का तरीका मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें सारा समझा दिया था, एलसीएम इस तरह का कैसे करते हैं, कटिंग कुटिंग करके सारा कुछ तरीका था, पुट करते हैं एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वहाँ से एक्स मिलेगा हमें वन, इसको इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ वन यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ रखें वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो टू स्क्वेयर यहाँ रखो वन प्लस वन ज़ीरो, वन माइनस वन ज़ीरो, वन माइनस वन ज़ीरो, टू स्क्वेयर होता है फोर, तो ए मिल जाएगा हमें वन ओवर फोर, और इस तरह बाकी हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह मजीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, बेल आइकन को ऑन, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूँ तो आप तक बरवक्त पहुँचे। दाम याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।